नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई ओमान से रिलेटेड। जी हाँ भाई, आपको अगर न्यूज़ मिल गई होगी, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं मिली है, तो भाई हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे कि ओमान ने फ्लाइट स्टार्ट कर दी है इंडिया के लिए भी 1 सितंबर से। जी हाँ, और इंडिया के साथ में वो 17-18 कंट्री और हैं जिनको उन्होंने रेड लिस्ट में डाला था। ओमान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 1 सितंबर से अपनी बात पे अड़िग रहे। जी हाँ, हालांकि मैंने वीडियो बनाया था, आपको पता है कि भाई 30 अगस्त तो उन्होंने लास्ट डेडलाइन दे रखी है, आगे कोई अपडेट आएगी तो हम बताएंगे। अपडेट आ चुकी है, 25 अगस्त को अपडेट आ गई कि भाई ओमान ने इन जो 18 कंट्रियाँ थी इनके लिए फ्लाइटें ओपन कर दी है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब कौन लोग जा सकते हैं, किस तरह से प्रोसेस रहेगा, डोज वगैरह, क्वारंटाइन वगैरह सिस्टम, या कौन सा टीका वगैरह, पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। भाई वीडियो पूरा देखते रहिए ताकि आप ओमान जाने वाले हैं उनको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। वीज़ा टिकट के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन कंट्रियों के बारे में जिन्होंने इंडिया सहित 18 देशों को फ्लाइटें ओपन कर दी हैं, 1 सितंबर से फ्लाइटें स्टार्ट हैं। जी हाँ, बात कर लेते हैं भाई, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, जी हाँ, तंजानिया, सूडान, ब्राज़ील, सियेरा लियोन, ट्यूनीशिया, लेबनान, ईरान, इराक, लीबिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इथोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, मिस्र, अर्जेंटीना और घाना और बाला। जी हाँ, ये जो 18 देश हैं लगभग, इन देशों की भैया फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इन देशों के लोग 1 सितंबर से फ्लाइट ओमान जा सकते हैं। जी हाँ, अब जाने का प्रोसेस ही देख लीजिए भाई। सबसे पहले तो बात बता दें कि दोनों डोज आपके लगी होनी चाहिए। जी हाँ भाई, दुबई वाला सिस्टम नहीं है, दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए। और किस तरह से बता दूं, जैसे मान लीजिए कि 1 सितंबर से फ्लाइट स्टार्ट है तो आपकी डोज कब तक होनी, यानी 15-14 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। यानी एक डोज एक आज लगा ली, एक 28 दिन बाद में लगाई और उसके बाद में 14 दिन, आप मान सकते हैं कि 1.5 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। समझ गए बात को? अगर आप मान लीजिए 30 अगस्त को आप डोज लगाते हैं, सेकेंड डोज की बात कर रहा हूँ, तो आप फ्लाइट कब कर सकते हैं, अगली 15 सितंबर को। जी हाँ, 14-15 दिन का गैप होना चाहिए, वही लोग इसमें फ्लाइट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर डोज की बात करें तो जो आपको पता है ओमान सरकार ने मान्यता दी है वही डोज आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, आप इंडिया में सीधी सीधी बात है भाई, कोविशील्ड लगवा लो, कोविशील्ड को वैलिड है, जो एस्ट्राजेनेका के नाम से विदेशों में बोला जाता है, कोविशील्ड आप लगा सकते हैं, उनका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जी हाँ, तो ये हो गया। सेकंड बात कर लेते हैं, कोरोना टेस्ट पीसीआर रिपोर्ट। जी हाँ, और पीसीआर रिपोर्ट वो होनी चाहिए जो आपका क्यूआर कोड उसके ऊपर लगा होता है, एयरपोर्ट पे वो चेक करते हैं अपने जो भी उनका सिस्टम, मोबाइल से जो भी वो ऐप करते हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई चिटिंग का वो कोई चक्कर नहीं रहता। तो क्यूआर कोड वाला पीसीआर रिपोर्ट आपको लेना है, कितने घंटे का, 72 आवर्स, यानी 72 घंटे का आपके पास होना चाहिए। अच्छी बात है भाई, दुबई तो 48 घंटे मांगता है, 72 घंटे आपको मिले हैं। ये 8 घंटे से ज़्यादा जिनका सफ़र है उनको 96 आवर्स का टाइम दिया गया है। हालांकि इंडिया से ओमान 3-4 घंटा में आप पहुँच जाते हो, तो आपके लिए 72 आवर्स वाला पीसीआर रिपोर्ट क्यूआर कोड वाला होगा तो एयरपोर्ट पे मान्य होगा। अगर वो नहीं होगा तो भाई आपको दिक्कत आ सकती है। तो क्यूआर कोड वाला ही आपको टेस्ट रिपोर्ट लेना है, मान्यता प्राप्त है, समझ गए आपको, ICMR जो मान्यता प्राप्त होते हैं वहाँ से आपको मेडिकल रिपोर्ट लेनी है। जी, आगे बात करें कि भाई आपको क्वारंटाइन का कोई चक्कर नहीं, हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं क्वारंटाइन ये पहले था, अब इसको हटा दिया गया है। हाँ, आपका जैसे पीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे के आपके पास है, फिर आप ओमान एयरपोर्ट पर पहुँचोगे, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, रिपोर्ट कोरोना टेस्ट होगा वहाँ पे, उसकी रिपोर्ट के आधार पे अगर उसमें आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं होटल वगैरह में 10 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जो खर्चा आपका लगेगा। और अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो आप अपने जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ऐसा फिलहाल की डेट में आज तक की न्यूज़ में ये है। आगे अगर इसको अपडेट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, उसका हम कह नहीं सकते। जी हाँ, अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो ओमान रहने वालों को लगभग पता होगा भाई, लगभग बता दूं 25 रियाल ओमानी रियाल इसका चार्ज है जो बताया गया है। ये पैसा आपका लगेगा ओमान, हालांकि दुबई एयरपोर्ट पे फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन ओमान में ऐसा सुनने को है कि भाई आपका लगेगा, तो उसको थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ आप अपने स्तर पर कर लें, देख लें, सोच लें। जी हाँ, अगर उस वहाँ एयरपोर्ट की जो रिपोर्ट में आप पॉजिटिव आ जाते हो कोरोना रिपोर्ट में, तो आपको 10 दिन होटल में या फिर जो भी आपको रहना पड़ सकता है वो खर्चा भी आपका लगेगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ये खर्चा आप अपनी जेब में एडवांस में लेके जाइए। जी हाँ, वरना दिक्कत आ सकती है। ये बात हो गई। अब आप सोचोगे कि ठीक है, इतना ही ठीक है, लेकिन भाई इतना सही नहीं है।
उसमें और भी आपको पता है, ओमान में रहने वालों को तरसूद एक ऐप है, उस ऐप पे आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसमें आपका डोज, जो दोनों डोज लगे उनका, आपका PCR रिपोर्ट हो गया, या ये जो QR कोड वाला, ये पूरा अपने डॉक्यूमेंट को उस पे ऐप पे डाउनलोड करने होते हैं। जी हाँ, ऑटोमेटिक आप उस पे करोगे, या भाई आप आज जहीं से टिकट बनाते हो उसी से करवा लेना तो हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात तो हो गई, जी हाँ ये कंप्लीट आपको ये बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब टिकट की बात कर लेते हैं भाई। आप ओमान 1 तारीख से फ्लाइटें स्टार्ट हैं, एक बार थोड़ा बूम उठेगा, टिकटें महंगी होगी और लोग अपने अच्छे दामों पे उसको बेचने की सोचेंगे। जो एजेंट पहले बोलते थे यार एक टिकट में हमें क्या मिलता है, 500-400 रुपये बचते हैं, वो एक टिकट में 5,000-6,000 रुपये खाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग मजबूरी में हैं, वो जाएंगे, फ्लाइटें कम हैं, सीटें कम मिलेंगी एक बार के लिए, तो टिकटों का भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो आप जब भी टिकट बनाएं तो इस तरह से बनाएं। और भाई देखिए, आदमी की दिक्कत कहाँ होती है, आप जितने नज़दीक और अपने जानकार लोगों के पास पहुँचेंगे ना, उतने आप ज़्यादा ठगे जाओगे। ऐसा एग्जाम्पल मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने टिकट बनाई, 10,000 का डिफरेंस आ गया। जी हाँ, जो सऊदी की टिकट लोग 30,000 में दे रहे थे, आज से पिछले साल की बात करूँ तो उसका टिकट का लोग 35,000 रुपये 40,000 रुपये मांग रहे थे, इतना डिफरेंस आ रहा था टिकट में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप टिकट बनाएं भाई, जान का ये नहीं कि ये पासपोर्ट ले भाई मेरी टिकट बना दें, कम से कम 4 से 5 जगह अलग अलग जाके इंक्वायरी करें। हाँ भाई, उस डेट की टिकट कौन सी फ्लाइट की, फ्लाइट का नाम और उस डेट जिस दिन का आप जाना चाहते हैं आप पूछ लीजिए, कितना पैसा, जी मैं 30,000 लूँगा, दूसरे के पास, हाँ जी मैं 28,000, तीसरे के पास मैं 25,000, 100% फ़र्क आएगा। आप 5 जगह जाके ढूंढोगे देखोगे तो फ़र्क आएगा, और वहीं से आप उसको बोलना है कि भाई साथ में मेरा ये तसरूत ऐप है, इसके ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करवा लें, जिसमें टिकट वगैरह जो भी, हालांकि ये अपडेट है, इसमें और भी हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, कोई नया कोई गाइडलाइन जुड़ जाए साथ में, कोई अपडेट इधर कम बत्ती हो जाए, तो अगर आती है तो आप अपने स्तर पे जो टिकट बनाएगा उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जो फ्लाइट जाएंगी ना उनकी फ्लाइटों की जिम्मेदारी होती है एयरलाइंस की, तो वो अपने एजेंटों को ये मैसेज देती रहती है कि ये डॉक्यूमेंट टिकट बनाने वाले का होना चाहिए, तो आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज होगा, उनके पास पल पल की न्यूज़ आती है क्योंकि एयरलाइंस देती है उनको। कल को पता चले बिना एयरलाइन बिना सूचना के टिकट बना दिए, पता लगे आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो ओमान एयरपोर्ट पे मांगा गया, तो फिर टिकट के पैसे लग जाते हैं, तो इसलिए उनकी 100% जिम्मेदारी होती है। फिलहाल के कोविड जो कोरोना काल चल रहा है ना, इसकी वजह से हो रही है, बाकी तो नॉर्मल समय में तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप बोलोगे उस दिन की टिकट बना के दे देते हैं, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की जरूरत। अब बात कर लेते हैं कौन लोग इसमें जा सकते हैं। जी हाँ, तो भाई जाने वाले में बात करें, फिलहाल न्यूज़ ये आ रही है कि जिनके वीज़ा वैलिड हैं वो लोग वर्क परमिट वाले जा सकते हैं, विजिट वीज़ा वाले भी, हालांकि ये खुल के कोई अपडेट आई नहीं है। आप अपने स्तर पे पता कर लें कि भाई कौन लोग, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनको भी ओमान सरकार वैलिड मानेगी, उनको भी एंट्री देगी, जिनके वीज़ा ख़त्म हुए हैं वो अपने स्तर पे ट्राई कर लें, अपनी कंपनी में कॉल कर लें या फिर अपने साथियों के साथ में बात कर लें कि भाई ऐसा कुछ है क्या, और बाकी इसके अथोराइज अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे और बात कर लेंगे, क्योंकि अभी जैसे बात करें अभी 1 सितंबर का टाइम पड़ा है, 5-6 दिन का गैप है, तो उसमें थोड़ा नया अपडेट 100% आएगा, कुछ जोड़ेगा कुछ तोड़ेगा, जो भी अपडेट आएगा हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे, वीडियो बना के आप देखते रहिए। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था भाई, टिकट इंपॉर्टेंट है भाई, टिकट का ध्यान रख लेना, बाकी तो आप अपने स्तर पर कर लोगे, लेकिन टिकट वाला पंगा ना ये पैसा ज़्यादा कम बत्ती करने वाला, 5 जगह ट्राई करके टिकट बनाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो बस आज की अपडेट ये थी ओमान से रिलेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।